हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूं सूजी अरवा का मेदू वड़ा। नॉर्मली जब भी हम मेदू वड़ा बनाते हैं तो वड़ा का शेप देने में बहुत ही दिक्कतें आती है, तो आज की आप मेरी इस वीडियो में देखेंगे कि मैंने बहुत ही सिंपल और इजी तरीका बताया है जिससे आप वड़ा फटाफट बना सकते हैं और साथ में ही बहुत ही टेस्टी चटनी भी बनाई है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए आज की मजेदार वड़ा की रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, उससे मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। रवा या सूजी का मेदू वड़ा बनाने के लिए एक बर्तन में हम 1 कप बारीक वाली रवा ले लेंगे। फिर हम इसमें 1/2 कप दही डाल देंगे। जितना आप सूजी या रवा यूज़ करें उसकी आधी क्वांटिटी दही यूज़ करें। अब हम इन दोनों को अच्छे से मिला देंगे। सूजी और दही को मिला के हम इसे फूलने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे मिक्सचर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी मिला देंगे। पानी मिलाने से सूजी जो है वो पानी को अब्जॉर्ब करेगा और जल्दी फूल जाएगा। तो यहाँ पे 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालें। मिला दें इसे अच्छे से। अब हम इसे ढक के 30 मिनट के लिए रख देंगे। सूजी और रवा को जितनी ज़्यादा देर के लिए आप फूलने के लिए रखेंगे वड़ा आपका उतना ही अच्छा बनेगा। तो 1/2 घंटा के लिए छोड़ दें। तब तक हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 6 लहसुन की कलियाँ छिली हुई ली है, 2 इंच अदरक लिया है, 1/4 कप कच्चा नारियल, 2 हरी मिर्च और 1/4 कप धनिया पत्ता ले लेंगे। इन सबको हम ये ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। तो यहाँ पे ये जो नारियल है उसके टुकड़े कर ले। इसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे, तो स्वाद के अनुसार या फिर 1/2 छोटी चम्मच नमक डाल दें और उसके बाद ज़रा सा पानी डाल दें। जार का ढक्कन बंद करके हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर इसे पीस लेती हूँ मैं और ये हमारी चटनी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो आप चाहें तो इस चटनी को ऐसे खाएं या फिर आप चाहें तो इसमें तड़का लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा तड़का वाला चटनी बनाती हूँ जो वड़े के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो तड़का देने के लिए एक तड़के पैन में 1 चम्मच तेल गरम करें। फिर हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच सरसों, 2 लहसुन की कलियाँ कटी हुई, यहाँ पर थोड़े से करी पत्ते, 2 सूखे लाल मिर्च डाल दें। आप चाहें तो हींग भी डाल सकते हैं। इन सबको थोड़ा सा पका लें, उसके बाद गैस को ऑफ कर दें और उसके बाद हम इस तड़के को डायरेक्ट इस चटनी के ऊपर डाल देंगे। तो यहाँ पर ये तड़का डाल लें। एक बार हम इसको ऐसे मिला देंगे सर्व करने के पहले। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार चटनी रेडी हो चुकी है। हम इसे अलग रख देंगे और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में जहाँ पे वड़ा बनाएंगे। तो 30 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पे इस मिक्सचर को एक बार ऐसे मिला लेंगे और यहाँ पे ये मिक्सचर बहुत ही गाढ़ा है तो हम इसे पानी मिला के थोड़ा सा पतला कर लेंगे। वड़े का जो मिक्सचर है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका टेक्स्चर कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 से 3 चम्मच पानी डाला मैंने, मिला दें इसे। अगर आप वड़े के बैटर को बहुत ज़्यादा पतला करेंगे तो वड़ा बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका टेक्सचर जो है वो ऐसा रखे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए। अब हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे, 1/2 छोटी चम्मच हम इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है लेकिन ये ऑप्शनल है। सब्जियों में यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च कटी हुई, 2 इंच अदरक कटा हुआ, 1 प्याज और यहाँ पे धनिया पत्ता लिया है। इन सबको हम डाल देंगे बैटर में। यहाँ पे प्याज मैंने एडिशनली यूज़ किया है, प्याज से बहुत अच्छा टेस्ट आता है लेकिन अगर आपको नहीं पसंद है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। सब्जियाँ डालने के बाद बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, लेकिन जब आप इसमें सोडा और नमक डालेंगे तो ये वापस थोड़ी सी पतली हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है। वड़ा को थोड़ा सा क्रंची बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा यूज़ कर रही हूँ, ये इसमें ऑप्शनल है। 1/2 छोटी चम्मच या फिर स्वाद के अनुसार नमक डाल दें और लास्ट में हम इसमें 1/4 छोटा चम्मच ये बेकिंग सोडा डाल देंगे। इसे खाने वाला सोडा या मीठा सोडा भी बोलते हैं। मिला दें इसे अच्छे से। आप इसकी जगह इनो का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा मिक्सचर रेडी है। अब हम चलते हैं वड़ा बनाने के प्रोसेस में। तो तेल गर्म होने के लिए रखा है मैंने, यहाँ पे ये बैटर को एक बार मिला दें और थोड़ा सा पानी से ऐसे हथेलियों को पहले ग्रीस कर लें। मिक्सचर हम ऐसे हाथों पर लेंगे और ये जो बैटर है वो आपके हाथों में बहुत चिपकेगा, तो थोड़ा थोड़ा पानी लगा के और उसके बाद ऐसे राउंड करें। जैसे ये राउंड हो जाएगा थोड़ा सा हम इसे चपटा कर लेंगे, उसके बाद सेंटर से ऐसे एक होल कर देंगे। तो ये हमारा 1 वड़ा रेडी है। सावधानी से हम इसे गर्म तेल में डाल देंगे। दूसरा प्रोसेस जो है वो हम कटोरी से बनाएंगे। तो कटोरी के पीछे के हिस्से में पानी लगाएं और उसके बाद ऐसे मिक्सचर लेके इसके ऊपर रख दें। जहाँ भी हाथों में ये मिक्सचर चिपके वहाँ पर थोड़ा सा पानी लगा के और उसके बाद इसे ऐसे स्मूथ कर दें। मेदू वड़ा बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि हम इसे पानी से स्मूथ करते हैं, तो जब ये तेल के कांटेक्ट में आएगा तो तेल के छींटे आएंगे। तो वड़े को तेल में डालते वक्त बहुत ही सावधानी बरतें। तो यहाँ पे ये देखिए, कटोरी वाला जो प्रोसेस है वो इजी है और इसमें तेल के छींटे नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हल्का सा पेशेंस रखें और यहाँ पर वड़ा निकल गया है। सेम प्रोसेस से आप चाहें तो कटोरी से बनाएं या फिर हाथों से। तो और एक वड़ा मैं ऐसे बना के दिखाती हूँ। हथेलियों पर पानी लगाया मैंने और यहाँ पर इसे ऐसे राउंड शेप करके और उसके बाद हल्का सा चपटा कर लें।
आप चाहे तो कटोरी या ग्लास के ऊपर सूती कपड़ा लगा के और उसके ऊपर ये वड़ा बनाए, उसके बाद गर्म तेल में डालें। तो वड़े को तेल में डालते वक्त बहुत ही सावधानी रखनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो यहाँ पे हाथों पे ऐसे वड़े को ले और सावधानी से तेल के साइड में ऐसे डालें। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम रखा है, आप चाहे तो लो फ्लेम रखें, हाई फ्लेम पे आप इसे नहीं फ्राई करें। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो वड़ा जो है वो अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो लो मीडियम या फिर मीडियम फ्लेम पे आप इसे फ्राई करें। तो यहाँ पे ये कटोरी वाला मैं वापस करके दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए। और इसे हल्के हाथों ऐसे थोड़ा सा पेशेंस रखिए तो ये तुरंत ही ऐसे तेल में चला जाएगा। वड़े को तेल में डालने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे गरम तेल डालें ताकि ऊपर का जो टेक्सचर है वो सेट हो जाए और पलटते वक्त वो पैन में नहीं चिपके। तो यहाँ पे गरम तेल सबके ऊपर ऐसे डाल दें। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम रखा है। जैसे इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा हम इसे पलट देंगे और इसे हम पलट पलट के तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये सुनहरा नहीं हो जाए या फिर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वड़ा पहले से ज़्यादा कितना फूल गया है, ये देखिए। तो इस रेसिपी में हमने सूजी को अच्छे से फुलाया था, उसके बाद थोड़ा सा सोडा यूज़ किया है जिसकी वजह से वड़े जो है वो ऐसे एकदम फुले फुले दिख रहे हैं। प्लस हमने इसमें थोड़ा सा चावल का आटा यूज़ किया है जिससे इसके ऊपर का टेक्सचर जो है वो क्रंची रहेगा। तो ये हमारा मेदू वड़ा जो है वो रेडी हो चुका है, सेम प्रोसेस से बाकी के मिक्सचर का वड़ा बना ले। तो यहाँ पे वापस एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि हथेलियों को पानी से ग्रीस कर ले, उसके बाद ऐसे बैटर रख के और ऐसे सेंटर में होल करके सावधानी से हम इसे गरम तेल में डाल देंगे। तो वड़े को डालते वक्त ऐसे तेल के ऊपर थोड़ा सा इसे ले जाए और किनारों में ऐसे डालें। सेम प्रोसेस से बाकी के मिक्सचर का मैं ये वड़ा बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने बाकी के मिक्सचर का वड़ा बना लिया है। जैसे ही वड़ा तेल में डाल दें, गरम तेल थोड़ा सा इसके ऊपर डालें जैसा कि मैंने पहले बताया, ताकि ऊपर की जो लेयर है वो सेट हो जाए। और इसके बाद पलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे जैसे हमने पहले वाले वड़े को फ्राई किया है। तो ये हमारा दूसरा सेट भी रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं वड़ा दिखने में बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। तो बस यहाँ पर गैस को बंद करते हैं और इसे मैं निकाल लेती हूँ। तो वड़े को निकाल के आप स्ट्रेनर पे रखिए, उससे ये बहुत ज़्यादा देर तक क्रंची रहता है। लेकिन आप चाहे तो अगर इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकालना है तो आप इसे पेपर किचन टॉवल पे भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा मेदू वड़ा जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो सर्व करने के लिए चटनी हमने पहले से बना के रखी है, तो ये नारियल की चटनी रख दें और उसके साथ ये मज़ेदार जो हमने बहुत सारे फ्लेवर ऐड किए हैं इस वड़े में और जिसे बनाना बहुत आसान है। तो आधी घंटा पहले आप इसे भिगो दें और बीच में आप अपना काम करते रहें, और उसके बाद जब इसका टाइम हो जाए तो फटाफट आप इस वड़े को तले और उसके बाद ये चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। तो ये हमारा रवा या सूजी का मेदू वड़ा जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें से एक वड़ा जो है वो आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि इसके अंदर का टेक्सचर कैसा है। तो प्याज और मसालों के साथ ये देखिए बहुत ही उम्दा दिख रहा है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।